अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं मलाई बोटी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। ये मैंने दही ली है, 2 टेबल स्पून मैंने मलाई ली है, फ्रेश मलाई ली है, आप दूसरी भी यूज कर सकते हैं जो। अब इसमें ऐड करूंगी मैं 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करूंगी कुटी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून और इसको हम करेंगे मिक्स। ये 1/2 टीस्पून इसमें कचली पाउडर ऐड किया है मैंने, अब इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसमें मैंने सिरका ऐड किया है। अब इस तरीके से हमारा ये मसाला मिक्स हो चुका है, इस पर अच्छी सी पहले रख दी थी इस तरीके से बोटी। चिकन के हिसाब से ले सकते हैं, मैंने 1/2 किलो लिया तो 1/2 किलो के हिसाब से मैंने ऐड किए सब चीज। आप इसमें अगर आप 1 किलो रखेंगे तो इसका डबल कर लेंगे आप। और इसको 3 घंटे के लिए, कम से कम 3-4 घंटे के लिए हम रख देंगे, उसके बाद हम बनाएंगे। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अब मैं ऐड करूंगी कॉर्नफ्लोर, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने इस पर ऐड किया है कॉर्नफ्लोर, ये देखें। ये मैंने मसाला जो शान का मलाई मसाला जो है, ये मलाई बोटी मसाला 1 टेबल स्पून ये भी ऐड किया था। अब इस तरीके से हो गया, अब इसको हम रख देंगे 3-4 घंटे के लिए, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे फाइनल लुक। ओके, अच्छा अब इसमें मैं ऐड करूंगी हरी मिर्ची और हरा धनिया पीसा हुआ पीस के, ये 1 टेबल स्पून। इसमें मैंने 1 टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टी स्पून चिकन पाउडर, कटिंग में आपको सॉरी बताना भूल गई थी, ये चीजें हमने ऐड कर ली हैं। अब इसको हम करेंगे अच्छा सा मिक्स। ये चिकन मैंने 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दी थी और अब मैंने निकाल ली है और अब इस तरीके से इसको स्टिक पे लगाएंगे। ठीक है, 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी, ज्यादा नहीं बिल्कुल थोड़ा सा आपने डालना है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे स्टिक, इसको ऑयल इतना सा लिया मैंने, बिल्कुल कम लेना है। इसमें मैं रखना हूँ और आप ये फाइनल लुक जरूर देखिएगा इसकी। अब ये देखें, इसको पलटते रहना है चारों साइड से, ऐसे अब ये देखिए इस तरीके से हमारी बोटी पक चुकी है। कम से कम इसको 15 मिनट लगे हैं बनाने में, 15 मिनट तक पकाना है, गैस से 15 मिनट लगते हैं। और इसको साइड इसकी पलटते रहना है ताकि चारों साइड इसकी अच्छे तरीके से पक जाए। और अब इसमें रखेंगे हम ये कोयले और इसके ऊपर हम ऑयल चलेंगे थोड़ा सा, इसमें रखना है और इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे। अब ये देखिए हमारी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से पककर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाऊंगी फाइनल लुक। ये देखिए, अब ये हमारी मलाई बोटी रेडी हो चुकी है, ये है फाइनल लुक माशाल्लाह से, कितनी मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी हमारी मलाई बोटी रेडी है। और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।